चलिए आइए इसी बीच रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ दौरे पर है फग्गन सिंह कुलस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा आज से शुरू होने जा रहा है। दुर्ग के नंदिनी अहिवार के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे। दोपहर 1:15 पर नंदिनी माइंस का दौरा करेंगे। शाम 7:35 में रायपुर लौटेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है और आज दुर्ग के नंदिनी अहिवार के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। दोपहर 1:15 में नंदिनी माइंस का दौरा भी करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। शाम 7:35 में रायपुर लौटेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। केंद्रीय मंत्री का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जहां पर वे दुर्ग सम्मेलन में भी शामिल होंगे। दो दिवसीय दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर फग्गन सिंह कुलस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, दुर्ग के नंदिनी अहिवार के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते। दोपहर 1:15 में नंदिनी माइंस का दौरा भी करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। शाम 7:35 पर रायपुर लौटेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जहां पर वे कई समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा आज से शुरू होना है। दुर्ग के नंदिनी अहिवार के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, फग्गन सिंह कुलस्ते का छत्तीसगढ़ दौरा, इस पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज यहाँ पे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर वह लगभग 8:15 के लगभग रायपुर पहुंच चुके हैं। इस समय वह पौना में जो राजकीय अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर वह अभी पौना में उपस्थित है। अभी यहाँ से वह ठीक 10:00 के लगभग यहाँ से दुर्ग जिले के नंदिनी अहिवारा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां पर उनका अभिनंदन समारोह रखा गया है। तो इस तरीके वह 1:15 पर लगभग जो माइंस है वहां की नंदिनी माइंस उसका अवलोकन करेंगे और 7:35 पर वह रायपुर लौट आएंगे शाम को और रात्रि विश्राम रायपुर में करने के बाद कल सुबह 8:15 के लगभग दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी वर्षा, और क्या इस दौरे के दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे? नहीं, ऐसा कोई कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री का नहीं है यहाँ पर किसी तरह का। हालांकि जो बीजेपी के जरूर जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय, उनसे मिल सकते हैं, उनके साथ चर्चा कर सकते हैं और हो सकता है कि वो भाजपा के कार्यालय में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। जी, और इस दौरे के दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रह सकता है? जी, केंद्रीय मंत्री के साथ अभी उनका अकेला ही दौरा है, व्यक्तिगत दौरे पर वह यहाँ आया है क्योंकि उनका अभिनंदन समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। तो इस दौरान उनके स्टाफ के अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर उनके साथ नंदिनी अहिवारा जा सकते हैं। जी अमित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।